गाइस वेलकम टू HS टेक जोन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 5 Pro के नेक्स्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं लगभग 2 महीने हो चुके हैं और Redmi Note 5 Pro को अभी तक भी कोई अपडेट नहीं मिला है न्यू। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम केवल Redmi Note 5 Pro वालों के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी के डिवाइस हैं ना उन्हें भी यहाँ पर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है इस टेबल में। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि अब यहाँ पर आपको कब तक अपडेट देखने को मिल सकता है और यहाँ पर कौन सा वर्जन आपको देखने मिलेगा, साथ ही क्या कुछ फीचर उसमें आपको खास देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपने शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास वाली नोटिफिकेशन का आइकन आएगा तो आपने उस पर भी क्लिक कर देना है, ताकि जब भी हम नई की वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। शायद दोस्तों आजकल आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आपने आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अवश्य करना शेयर करना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 5 Pro के बारे में। दोस्तों जो Redmi Note 5 Pro में जो मेरे पास Redmi Note 5 Pro है तो इसमें जो वर्जन चल रहा है उसका नाम है MIUI 10.2.1.0। अगर बात करें यहाँ पर जो MIUI का फोरम है तो उस पर भी यही वाली रोम चल रही है इस टेबल में Redmi Note 5 Pro इंडिया वालों के लिए। तो इसके बाद में यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी देखने मिल रही हैं इसमें भी, जैसे कि जो बैटरी का इशू सबसे बड़ा देखने मिल रहा है। बैटरी एक तो डिस्चार्ज हो रही है, उसके बाद में जो अगर इसे चार्ज करते हैं चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों मैं तो इसलिए यूज करता हूँ यहाँ पर फास्ट चार्जर, ताकि जल्दी से जल्दी डिवाइस चार्ज हो जाए। तो जैसा कि देख रहे हो मेरा मोबाइल अभी भी चार्जिंग पर है, लेकिन मैं फास्ट चार्जिंग यूज कर रहा हूँ, यानी फास्ट चार्जर का यूज कर रहा हूँ तभी चार्ज करता हूँ, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लग जाता चार्ज होने के में। तो इसके बाद में सेकंड प्रॉब्लम की बात की यहाँ पर दोस्तों, मुझे कैमरा में थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है आजकल। तो कैमरा बहुत लैग मार रहा है, यानी कि शटर लैग आ रहा है। उसके बाद में जो बहुत सारी पिक्चर क्वालिटी है ना वो गजब देखने को नहीं मिल रही है, जैसे कि पहले Redmi Note 5 Pro में आती थी। अब ये Redmi Note 7 कैमरे की पिक्चर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है या फिर जो मेरे कैमरे में कुछ डिफेक्ट आ गया, तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। लेकिन अब आज देखते हैं जब नेक्स्ट अपडेट आता है तो उसके बाद में क्या होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अब आपके लिए कौन सा अपडेट आने वाला है और आपको क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप में और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ओपन हो रखा है फोरम उसका नाम है यहाँ पर Redmi Note 5 Pro का MIUI का ग्लोबल फोरम ओपन हो रखा है जो इंडिया वाला ही है। तो इसमें जो अपडेट इसमें चल रहा है MIUI 10.2.1.0 दे रखा है इन्होंने, जो 1.6 GB की रोम है। उसके बाद में अगर इसका जो नेक्स्ट जो बीटा वर्जन है वो 937 दे रखा है, जिसका जो साइज है 1.7 GB है। उसके बाद में अगर बात की जाए अब आपको नेक्स्ट फीचर क्या और कब देखने मिल सकते हैं, तो अभी तो यही वाली उम्मीद लगाई जा रही है कि इंडिया के अंदर भी यही वाला जो अपडेट देखने मिलेगा। लेकिन अब मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा चाइना के फोरम पर। तो चाइना के फोरम पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ये रेड राइस जाने के Redmi 5 Plus जो इंडिया में Redmi Note 5 Pro बन के आया, उसके बाद में Redmi Note 5 है जो वहाँ का चाइना का रेड राइस। यहाँ पर जब चाइना से ये लैंग्वेज जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसी प्रकार से लिखा हुआ आता रेड राइस, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही डिवाइस में जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है MIUI 10.2.2.0, जिसकी जो रोम का साइज है 1.9 GB है। लेकिन जब इंडिया के अंदर आएगा तो इसका जो रोम का साइज 1.7 या फिर 1.6 GB रहने वाला है। उसके बाद में ये दोनों डिवाइस में सेम रोम तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इंडिया के अंदर जो आती है ये वाली रोम आती है जो Redmi Note 5 Pro के लिए, तो अब ये जल्दी कस्टमाइज हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी आए हैं। दोस्तों ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आज तारीख है 11 मार्च, तो अब यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है दोस्तों आज एक दिन है सोमवार का, और इसमें यह उम्मीद लगाई जा रही है इस बार कि आपको ये शुक्रवार या फिर शनिवार या फिर रविवार तक ये जो नेक्स्ट अपडेट है वो इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा Redmi Note 5 Pro में। और दोस्तों बाकी जो सारे डिवाइस हैं उन्हें भी किसी को अपडेट नहीं मिला है आजकल, तो उनके लिए भी जल्दी अपडेट रोल आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब भी जो Xiaomi है ना वो थोड़ा सा बिजी है, एक तो Redmi Note 7 हो गया, Redmi Note 7 Pro हो गया, उसकी सेल्स हो गई, उसके लॉन्च इवेंट वगैरह हो गए। उसके बाद में अब जो Redmi Note 7 वालों को भी एक अपडेट दे चुके हैं Xiaomi वाले, तो अब भी जो क्या है यहाँ पर Redmi Note 5 Pro की थोड़ी वैल्यू कम हो गई है पहले से जाने के। अब जो आपको अपडेट है वो आने वाले जल्दी जल्दी नहीं देखने मिलेंगे, जैसे कि जो पहले टाइम आया था, जैसे कि अक्टूबर नवंबर का महीना था पिछले साल 2018 में, तो एक महीने के अंदर 5 अपडेट आए थे Redmi Note 5 Pro के लिए। लेकिन अब वो टाइम बिल्कुल नहीं आने वाला है, अब आपको जो भी अपडेट देखने मिलेंगे वो लगभग 1 महीने या फिर 15 दिन के गैप से ही देखने मिलने वाले हैं। लेकिन इस बार तो कमाल हो गई, यहाँ पर इन्होंने पूरे लगा दिए 2-3 महीने। अब देखते हैं कि ये अपडेट इस बार संडे तक आता या नहीं आता है, तो उसके बाद मैं फिर दोबारा से Xiaomi के कस्टमर केयर से बात करूँगा और कुछ कन्फर्म करूँगा।
और आपको बताऊंगा फिर दोबारा से कोई नेक्स्ट वीडियो में अगर अपडेट नहीं आता है। दोस्तों फिलहाल तो आज के वीडियो में यही थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताना था यहाँ पर Redmi Note 5 Pro के नेक्स्ट अपडेट के बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों ऐसी MIUI और नए मोबाइल की लॉन्चिंग से जुड़ी जानकारी के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।